हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। जैसा कि आपका EMRS का एग्जाम कल है और आप सभी अपने घर से चल दिए होंगे, तो लास्ट में जाते जाते ये वीडियो देख लीजिए, एंड जिससे आपके दो चार क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि आपका BBSC का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और आज कल तक में सभी आपके आज रात तक में सभी क्लियर हो जाएंगे, जो भी छूटा रहेगा कल तक में पूरा क्लियर हो जाएगा सभी रिजल्ट्स, और सभी आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे, पास है कि फेल है, कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, कटाव जैसे कि कल जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से बहुत हाई जा रहा है, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करिए, पहले धैर्य रखिए, रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो सकता है। एंड दोस्तों, जैसा कि ये EMRS के लिए लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो यही सभी प्रैक्टिस सेट ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कल से जो बिहार स्टेट 2024 जो कराने जा रहा है मार्च में एग्जाम, उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, तो आप सभी रेडी हो जाइए। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं, 51 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरा वीडियो देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है चार्ल्स ए बूचर का। किसका है? चार्ल्स ए बूचर का। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा आपका पूछ सकता है, जैसे कि एक है रोजालैन कैसिडी का परिभाषा, जिनकी परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन शब्द आए। तो रोजालैन कैसिडी भीतरी अनुभव कहे चाहे केंद्रीय अनुभव कहे, उसके साथ व्यक्ति विशेष से परिवर्तन शब्द आए, तो रोजालैन कैसिडी। और आबरेट यूफर का परिभाषा है कि अनुभवों का सामूहिक प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शब्द आए, तो वहां पर आबरेट यूफर का होगा। और जेबी नेस का परिभाषा भी बार बार पूछा जाता है, जिसमें शारीरिक शिक्षा की संपूर्ण क्षेत्र शब्द, संपूर्ण क्षेत्र और बृहद पेशी मांसपेशी से संबंधित अनुक्रिया शब्द आए, तो वहां जेबी ने इसका। और ब्राउन वेल का परिभाषा एक है जो संतुलित अनुभवों का जोड़ आए, संतुलित अनुभव शब्द आए और चरम सीमा शब्द आए, वहां पे आपका ब्राउन वेल हो जाएगा। जेफ विलियम्स शारीरिक, जहां पे मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं को विका कहते हैं, जेफ विलियम्स की शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। तो जहां पे शारीरिक क्रियाओं का बात आए, जेएफ विलियम्स का परिभाषा हो सकता है, ठीक है। एंड सीसी कोबेल का परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष की सामूहिक व्यवहार में अब में परिवर्तन आएगा, तो सीसी कोबेल का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कि निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीआरडी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? तो यहां पे पीटी उषा को नहीं मिला है, जबकि गुरु हनुमान कुश्ती में और माइकल फरेरा बिलियर्स में इन दोनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लोसानी स्विट्जरलैंड में है, और IOC की स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सरबोन नामक स्थान पर बैरन पियर डी कोबर्टिन ने किया था, जिसके आधार पर 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल शुरुआत किया गया एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में। और इस प्रकार बैरन पियर डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों, वो है जेम्स कोनोली, अमेरिका का था प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक, ये प्रथम आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जबकि प्राचीन ओलंपिक के प्रथम विजेता जो था वो था कोरोबल, ठीक है। और आधुनिक या यहाँ पे प्रथम ओलंपिक सीधे पूछा है, तो जेम्स कोनोली आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसा कौन सा देश है
जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक 1980 को छोड़कर खेलों में पदक जीते हैं, तो वह देश है दोस्तों अमेरिका। कौन सा देश है कि 1980 को छोड़कर सभी ओलंपिक में पदक जीता है, तो वह है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा दल रहता है। आप सबको पता है सबसे आगे यूनान रहता है, सबसे पीछे में जापान देश होता है, फिर सभी देश जो अल्फाबेट के अनुसार रहते हैं मध्य में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, वो है नीलिमा घोष, एथलेटिक्स की हैं और 1952 हेलेंस की फिनलैंड में पहली बार भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, तो वो है दोस्तों मार्क स्पीर्स अमेरिका के। कौन है? मार्क स्पीर्स अमेरिका के। 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक तैराकी में प्राप्त किया और फिर जाकर के इस रिकॉर्ड को माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करके तोड़ा। जबकि माइकल फेल्प्स जो है, माइकल फेल्प्स को मेडल विनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और माइकल फेल्प्स ने 28 मेडल कुल जीते हैं ओलंपिक में तैराकी में, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल जीते हैं, जिसमें से 2004 एथेंस ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण 2 कांस्य पदक था, और 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक, 8 स्वर्ण पदक था, और 2012 लंदन में 6 पदक जीते थे, जिसमें से 4 स्वर्ण 2 रजत, और 2016 रियो ओलंपिक में 6 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण 1 रजत था। इस प्रकार माइकल फेल्प्स 28 मेडल, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मेडल जीती है। इस आधार पर इनको मेडल विनिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण पदक सहित जितने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी का क्या नाम है, तो दोस्तों वह है लैरिसा लैटिनिना, रूस की। लैरिसा लैटिनिना रूस की जिम्नास्ट है जो 1964 टोक्यो जापान ओलंपिक में कुल 18 पदक जीती, जिसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य पदक यह जीती। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है, यानी यह ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1968 जो मैक्सिको ओलंपिक था में ओलंपिक मशाल को जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, तो वह है, कौन है प्रथम महिला खिलाड़ी, तो वह है दोस्तों एनरी क्वेता बासी लियो। 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार नेमी, इनका पूरा नाम है नेमी एनरी क्वेता बासी लो सोटेलो, जो मैक्सिको की महिला है, और ने मसाल से ज्वाला प्रज्वलित किया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले मसाल जलाया गया 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई, और आधिकारिक तौर पर सबसे पहले जलाया गया 1936 बर्लिन ओलंपिक में, जो मसाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुई। कार्ल डाइम ने मसाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन ग्रीस में अपोलो थे, तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में अपोलो सूर्य देवता को कहा जाता था, एंड जीएस देवता को आकाश देवता कहा जाता था, एंड समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रीस में डिस्कस होती थी, तो एक फेंकने वाली चीज होती थी, आज भी है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीस वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नवजात दुर्बल शिशु मरने के लिए माउंट टाइगर्स पर किस काल में फेंक दिया जाता था? तो वो था स्पार्टा काल में, जो अपंग नवजात और कमजोर बच्चे पैदा होते थे उनको टाइगर्स पर्वत से नीचे फेंकवा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित किए जाते थे, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था क्रिप्टिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को क्या कहते थे? तो दोस्तों, स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को बोला जाता था प्लेटेनिस्टास। स्पार्टा की बात कर रहा है, ठीक है, स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। और शिक्षा प्रणाली को, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को स्पार्टा में एगाग बोला जाता था। और स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पैडोनोमस बोला जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम नग्न हो जाने वाले कौन थे? तो ये थे आपके स्पार्टावासी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी? दोस्तों, तो तेल की उपयोग की कल्पना रोमवासियों ने सबसे पहले किया था व्यायामशाला में। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त स्त्राव को रोकने का सबसे कारगर और तात्कालिक उपाय क्या है? तो चोट पर सीधा दबाव है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें अधिक गंभीर क्या है? तो दोस्तों, मोच, दबाव और अपघर्षण सबसे ज्यादा गंभीर होता है मोच, जो लिगामेंट के खींचने से, ज्यादा खींचने से होता है, जिसे स्प्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी चोट की श्रेणी में आता है? तो एब्रेजन एंड विदारण यानी कि लेसरेशन, दोनों आपके चोट की श्रेणी में आता है। तो क, ख दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाकू, उस्तरा अथवा टूटी हुई शीशे जैसी तिछे वस्तुओं के कारण हुए चोट को क्या कहेंगे? तो चोट 3-4 प्रकार का होता है, घाव, पीला, PILA, पीला यानी कि पंचर, इंसीजन, लेसरेशन, एब्रेजन। तो पंचर तो सीधे सीधे आपके नुकीली वस्तु से छेद हो जाता है, तो पंचर होता है। इंसीजन जो होता है कट लग जाता है, और लेसरेशन जो कट लगने के बाद रक्त बहता रहता है, एब्रेजन यानी कि रगड़ लग जाना। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इंसीजन यानी कटा फटा चोट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन मेरुदंडीय क्षति नहीं है? तो यहाँ पे भंग है, स्थान भंग है, डिस्क खिसकना है, पर चीड़ फोड़ नहीं है, यह आपका घाव के अंतर्गत आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है कि लू से ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार आवश्यक है? तो दोस्तों, लू से ग्रस्त है तो हम उसको, रोगी को शीतल स्थान पर कुछ देर के लिए क्या करेंगे, लिटा देंगे, उसके बाद दूसरा उपाय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, CPR का पूरा नाम क्या है? CPR का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन, जो व्यक्ति का जो है धड़कन रुक गया है, सांस रुक गया है, उसको CPR दिया जाता है, यानी कि छाती पर थपथपाया जाता है बहुत तेजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डायूरेटिक मूत्रवर्धक क्या कहता है? दोस्तों, तो यह हमारे शरीर में मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसे हमारे शरीर का भार को घटाता है, भार घटाने का काम करता है। कौन? डायूरेटिक्स, ये डोपिंग के अंतर्गत आता है, या ज्यादा भार वाले खिलाड़ी जैसे वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग ए वाले खिलाड़ी ज्यादा इसको यूज करते हैं, या डोपिंग को छुपाने और भार को कम करने और महिलाओं के मासिक धर्म को, समय को चेंज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य की बाह में चालू उत्तोलक प्रणाली है। तो दोस्तों, यह चालू उत्तोलक प्रणाली यानी फ्लेक्शन की बात कर रहा है। तो बाह के फ्लेक्शन को कौन सा उत्तोलक होता है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक, क्योंकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो है फोर्स बीच में होता है, बल बीच में होता है। तो आप प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार यानी रेसिस्टेंस बीच में
आर बीच में होता है। तो जो बाह का फैलाना यानी एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यह प्रथम प्रकार के उत्तरोलक में आ जाएगा। बाह का मोड़ना यानी फ्लेक्शन करना यह तृतीय प्रकार के उत्तरोलक में आ जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन है, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो मायोलॉजी कहलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल तो 29 होती है, बट यहाँ 22 दिया रहेगा, तो 22 आपका राइट रहेगा। कुल 29 कैसी होती है? पूरी खोपड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कल की बात कर रहा है, क्रेनियल की बात करेगा तो केवल 8 रहेगा। तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ कैसे होती हैं, जिसमें से आपका 22 आपका खोपड़ी में हो गया, नहीं क्रेनियल बोन 8 हो गया, 14 आपका चेहरे में हो गया, 6 आपका कान का हो गया, और 1 हायर बोन हो गया, कुल मिलाकर 29 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती है? जो हमारे कलाई की कार्पल अस्थियां होती हैं वो होती हैं 8, और जो हमारे पैर के टार्सल हड्डियां होती हैं वो 7 होती हैं, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, मुक्केबाज की मांसपेशियां होती हैं, तो दोस्तों बॉक्सर मसल्स किसे कहा जाता है? उसे कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल्स को। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्दन का जोड़ उदाहरण है दोस्तों जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है, वो धुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट कहलाता है। जैसे कि जुचल संधि, संधियां तीन प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट, चल, अचल और अर्धचल, जिसमें चल संधि 6 प्रकार की है, जिसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर खिसकता है, फिसलता है, जैसे कि हमारा कार्पस और टार्सल ज्वाइंट हो गया। एंड हिंज ज्वाइंट जो एक ही तल में गति करता है, यूनि एक्सटीरियर होता है, जैसे कि हमारा कोहनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट एंड उंगलियों का ज्वाइंट, ये सभी आ जाएगा हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत। एक होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो दो तल में गति करता है, जैसे हमारे कलाई का ज्वाइंट, और पीवर ज्वाइंट आप देख लीजिए जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है। एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो एक हड्डी का गोल से या दूसरी हड्डी में फंसा रहता है और चारों दिशाओं में गति करता है, जैसे हमारे कंधे का ज्वाइंट यानी कि कंधे का ज्वाइंट और हिप का ज्वाइंट। एंड एक होता है आपका सैडल ज्वाइंट जो किसी भी तल और दिशा में गति करता है, जैसे हमारे अंगूठे का ज्वाइंट, अंगूठा किसी भी उंगली के पास चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि समलंब यानी कि ट्रेपेजियम पेशियां सहायक होती हैं। तो ट्रेपेजियम जो पेशियां होती है गर्दन के पीछे होती है, यह गर्दन को पीछे धकेलने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सीखने के प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो यह थार्नडाइक ने दिया है। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, और अभ्यास यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और प्रभाव यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यशार थ्योरी का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं है? तो दोस्तों किसके साथ नहीं है, यानी पहले स्टिमुलस, यानी कि पहले आपको स्टिमुलस होगा फिर रिस्पांस होगा, तो ये सभी में आता है आपका, थार्नडाइक में भी, पावलोव में भी, कुहरन में भी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यशार थ्योरी, उसे थार्नडाइक दिया था, और किसके साथ नहीं है इसका संबंध? तो स्किनर के साथ नहीं, क्योंकि ये आरएस थ्योरी, इनका संबंध है आरएस, पहले रिस्पांस तब स्टिमुलस। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है कि मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? वर्तमान मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो आज के इस रूप में मनोविज्ञान को व्यवहार या मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर को यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक जॉन बी वाटसन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है, क्योंकि क्या होता है, एक संदेश यानी कि एक स्टिमुलस आता है, यानी कि सहभागी पेशियां, मस्तिष्क की सहभागी पेशियां जो है
वह मस्तिष्क से अपवाही संदेश पा रही है, जो हमारा मोटर नर्व है वो संदेश लाती है पेशियों को कार्य करने के लिए और मस्तिष्क तक पहुंचाती है सेंसरी ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शरीर आपदा यानी कि बॉडी डिजास्टर की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो यानी फेस और रन अवे की स्थिति ग्रहण कर लेता है। जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो अनुसंवेदी तंत्रिका यानी कि सेंसिटिव यानी कि सिंपैथेटिक नर्व जब एक्टिव होता है तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संवेग यानी कि मोमेंटम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्षोभ के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक के जांच का अर्थ है। तो इस एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक की जांच का अर्थ है माप की सुसंगति यानी कि कंपैटिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तम कार्यक्रम नियोजन की निम्न विशेषता है। तो उत्तम कार्यक्रम नियोजन की विशेषता विशेषता सहयोगात्मक लचीलापन सभी होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का महत्व नहीं है। तो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का महत्व नहीं है, कौन सा महत्व नहीं है? तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में प्रगति होना चाहिए, सहभागी क्रियाओं का, खाली समय का सदुपयोग, सामाजिक विकास, तो ये सभी होना चाहिए आपका, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का महत्व ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बालकों द्वारा विद्यालय में क्रिया करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके एवं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की इस परिभाषा को किसने दिया है? इस परिभाषा को दिया है कुइलन और हन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। तो आयु के आधार पर शिविर का विभाजन बाल शिविर, वृद्ध शिविर, किशोर शिविर है, बट वार्षिक शिविर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है ई के फ्रेक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा है? तो ये बांटे हैं 6 प्रकार में पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में। एंड इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। नेक्स्ट है एडगर जी जॉनसन एंड रोलैंड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को कितने प्रकार बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके 9 प्रकार में। वहीं पे आगे क्वेश्चन है कि जॉन बी वाटसन ने सीखने के सिद्धांत की खोज की, ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने परीक्षण और सिद्धांत की खोज की। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्न में से कौन सा है? तो व्यवहारवाद के जनक है जेबी वाटसन। कौन है व्यवहारवाद के जनक? जेबी वाटसन। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है कि वह ओलंपिक कौन सा है देश है, वह ओलंपिक का कौन सा मेजबान देश है जिसे मेजबानी में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों वह है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा 1976। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस। कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा आप बिहार स्टेट का 2024 में जो भी एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।